Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we shall continue the story Lost Spring. Stories of the Stolen Childhood, written by Anish Jung. Now we shall continue the lesson. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Vocabulary part. Even if, despite the possibility or fact that, bhale hi, do not match, are of different kind, be male. कमेंट, रिमार्क, टिप्पणी करना. शफल्स, वॉक्स बाय ड्रैगिंग हिज फीट, अपने पैर रगड़ कर चलता है. ओन्ड, पोसेस्ड, प्राप्त किया. लैक ऑफ मनी, वॉन्ट ऑफ मनी, धन अभाव. Tradition, a long established custom, parampara jise kehte hain. Excuse, a defense of a fault, bahana. Perpetual state of poverty, never ending condition of being poor. Lagatar garibi. Iska Hindi anuvad bachcho is prakar hai. दूसरे लड़के ने, जो बेमेल जूते पहने हुए था, कहा कि यदि उसकी माँ जूते नीचे उतार भी देगी तो यह उनको फेंक देगा. जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो उस लड़के ने अपने पैर भूमि पर रगड़े और कुछ नहीं कहा. तीसरे लड़के ने, जिसको जीवन भर जूते प्राप्त नहीं हुए, कहा, मैं जूते पहनना चाहता हूँ. देश में यात्रा करते समय मैंने बच्चों को नगरों में और गांवों की सड़कों पर नंगे पैर चलते देखा है. यह पैसे की कमी के कारण नहीं, वरन नंगे पैर चलना एक परंपरा है. इसका एक स्पष्टीकरण है. मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहने का क्या यह एक बहाना मात्र है. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडिपी वंस टोल्ड मी. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. ही वुड स्टॉप ब्रीफली at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs, a young boy dressed in a gray uniform, wearing socks and shoes, arrived
panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. Desolation, bleak and dismal emptiness, yani ujda hua. Panting, breathing with short, quick breaths, haafte hue. Remain, stay, रहते हैं. हिंदी अनुवाद. उडीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई जो मुझे याद आती है. जब वह छोटा लड़का था, वह एक मंदिर के पास से होकर स्कूल जाया करता था. उस मंदिर में उसका पिता पुजारी था. वह मंदिर में थोड़ी देर रुकता था और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था. 30 वर्ष पश्चात मैंने उसका कस्बा और वह मंदिर देखा जो अब बिल्कुल उजाड़ पड़ा था. उस मंदिर के पीछे जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं. एक छोटा लड़का जो स्लेटी रंग की वेशभूषा पहने था, जूते और जुराब पहने था, हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया. लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की याद आई जो देवी से प्रार्थना किया करता था. जब अंत में उसे जूतों की जोड़ी प्राप्त हो गई, उसने कहा, मेरे ये जूते कभी न खोएं. देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली. पुजारी के लड़के की तरह अब छोटे लड़के जूते पहनते थे, पर बहुत से अन्य, जैसे मेरे पड़ोस में कबाड़ियों के लड़के, बिना जूते ही रहते हैं. तो बच्चों, आशा करते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि ये रिवीजन पार्ट है. लेसन मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाल रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन रिवीजन करना भी ज़रूरी है साथ साथ, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको पता चल सके कि इसका ट्रांसलेशन कैसे है और इसकी वोकैबुलरी में शब्दों को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और उनके अर्थ क्या हैं. इस वजह से ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ. आप ध्यान से इसको देखा करें, सुना करें और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करें. अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप पढ़ाई को नेगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे ही विद्यालय खुलेगा, और आज से विद्यालय खुल भी रहा है, आज 1 जुलाई है, तो तुरंत सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जैसे असाइनमेंट टेस्ट, क्लास टेस्ट, फिर उसके बाद हाफ ईयरली, फिर एनुअल. तो सारी चीज़ें आपको उसी प्रकार से करनी है जैसे स्कूल खुलते वक्त किया जाता था. तो आप अपनी तैयारी पूरी करे रहें, आप अपनी कॉपी कंप्लीट रखें, जितना पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, जितना बताया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें. जहां ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं.
व्हाट्सएप के माध्यम से जानना चाहें, व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।